आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भूमि विवाद में जौनपुर के कांस्टेबल ने भदोही के सरपताहा में गंवाई जान, मुकदमा दर्ज। जौनपुर के सुरेरी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल फूलचंद मिश्रा उम्र लगभग 52 वर्ष की भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित सरपताहा में खूंटा से प्रहार कर हत्या कर दी गई। उनकी पुत्री नीतू मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस गिरफ्तारी में जुटी हुई है। प्रयागराज जनपद के कृष्ण बिहारी कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर निवासी नीतू मिश्रा ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके पिता फूलचंद मिश्रा जौनपुर जनपद के थाना सुरेरी में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वह 26 जुलाई को अपने साथी अनिल सिंह उर्फ बबलू निवासी परऊपुर थाना मुंगरा बादशाहपुर और मृत्युंजय मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा निवासी भानुपुर थाना सुरेरी के साथ सरपताहा में कैलाश दुबे के घर गए थे। कैलाश दुबे और उनके पड़ोसी विधान दुबे व राहुल दुबे पुत्रगण केशनाथ दुबे के बीच भूमि विवाद चल रहा था। आरोप है कि वह आपस में मारपीट कर रहे थे कि उसके पिता फूलचंद मिश्र बीच बचाव करने लगे। इसी दौरान आरोपित विपिन दुबे पुत्र राहुल दुबे द्वारा खूंटा को उखाड़कर सिर पर वार कर दिया गया। आनंद फानन में उन्हें भदोही स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मंगलवार को देर रात उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में विपिन दुबे और राहुल दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी रामबदन सिंह ने बताया कि सुरेरी थाने से बगैर अवकाश लिए वह अपने साथी कैलाश दुबे के यहाँ आए थे। पड़ोसियों में चल रहे विवाद में बीच बचाव करते समय चोट लग गई थी। इलाज के बाद वह अपने साले के घर चले गए थे। मंगलवार को हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ सुरेरी में भी बगैर सूचना गायब होने पर रिपोर्ट लिखी गई है। उक्त घटना के संबंध में थाना ज्ञानपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 102/2021 धारा 304 IPC का अभियोग नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कर घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।